हेलो। सो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्रिपेयर सीए फाउंडेशन पेपर 3, दैट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली मैं आप लोग को सारा बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए फॉर पेपर 3, एंड बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू पेपर 3। सो वो मैं आज क्लियर करूँगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 3 का डिवीज़न 3 पार्ट्स में है। बिजनेस मैथमेटिक्स जो आता है 40 मार्क्स का, जिसमें टोटल चैप्टर्स होते हैं 8, एंड सेकेंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग जो आता है 20 मार्क्स का, जिसमें टोटल चैप्टर्स है 5, एंड स्टैटिस्टिक्स जो होता है 40 मार्क्स का, जिसमें टोटल चैप्टर्स हैं 6, एंड ये 100 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, एंड 2 आवर्स टाइम अलॉट किया जाता है, यानी हमें 2 आवर्स में 100 मार्क्स के पेपर सॉल्व करने होते हैं। तो हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? फर्स्ट हमें लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो वो बहुत इजी होते हैं, मतलब तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारे कॉमन सेंस, हमारे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वो सॉल्व हो जाता है। और सिर्फ 5 चैप्टर्स होते हैं तो 20 मार्क्स का आता है। तो अगर आपका पहली 20 मार्क्स कंप्लीटेड रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे 20 मार्क्स तो कंप्लीट है, अब मुझे 80 मार्क्स का ही करना है। एंड आपका स्ट्रेस या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, एंड स्ट्रेस आपका कम होगा। सो पहले हमेशा जब भी आप प्रिपेयर करो तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करो फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले करो, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स करो, देन फिर स्टैटिस्टिक्स करो। कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा एंड आपका सिलेबस भी अच्छे से और जल्दी कंप्लीट होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर पहले मैथ सॉल्व करते हैं ना, तो मैथ्स एक तो डरते भी हैं, और सेकेंड चीज़ है कि मैथ में ज़्यादा चैप्टर है, 8 चैप्टर, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। उससे क्या रहता है कि आपके मन में रहेगा कि मेरा तो अभी तक एक भी मार्क्स का, या तो मेरा अभी तक कुछ मार्क्स का तो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है। पर अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पहले कंप्लीट करोगे तो वो जल्दी भी कंप्लीट होगा, और आपको रहेगा कि हाँ, मेरा 20 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है, एंड आई एम लिटिल सेफर जोन, वैसा रहेगा आपका। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि पहले लॉजिकल रीजनिंग करो, फिर मैथमेटिक्स, एंड देन स्टैटिस्टिक्स। मटेरियल से प्रिपेयर करो, आप आईसीए के स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करो। बिलीव मी, मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था सीए फाउंडेशन, और मैंने विदाउट कोचिंग दिया था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, और मेरे मैथ्स में आया था 47 मार्क्स। तो मैंने सिर्फ आईसीए के ही मटेरियल से स्टडी किया था, और मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये सब मैंने नहीं किया था सॉल्व। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसे भी सॉल्व करें, इससे आपका मार्क्स ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप अपने टीचर के मटेरियल से भी सॉल्व कर लेना, और ऐसा के मटेरियल से भी सॉल्व कर लेना। और फिर अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं और आपको खुद से करना है, तो आप ऐसा के मटेरियल से ही सॉल्व करना। और यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, जिससे आप जो भी डाउट्स है आप देख सकते हैं, उनका लेक्चर देख सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अन खेदिया सर, जो कि मैथ्स एलआर बहुत अच्छे से कराते हैं, एंड ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी चंदन सर, जो कि स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से करते हैं, मैथ भी, तो ये आप देख सकते हो। मैंने अपने फाउंडेशन में इनका वीडियोज़ देखा था। एंड आप मैथ्स में सबसे ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दीजिएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर को, क्योंकि वो अप्रॉक्स 15 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। एंड स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो भी अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर को आप प्रेफरेंस दीजिए, और एलआर को प्रेफरेंस दीजिए, तो आपका अप्रॉक्स बहुत, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये मतलब एलआर के 5 चैप्टर्स, और मैथ्स के टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये 7ों चैप्टर अगर आप अच्छे से करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपका मेन फोकस इतने में रहेगा तो भी बहुत अच्छा है। एंड स्टैटिस्टिक्स में आप कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करिए, आप ना थोड़ा मतलब स्मार्टली वर्क करिए। क्या पता आप जिस चैप्टर को बहुत मेहनत से कर रहे हो वो सिर्फ 2 to 3 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, तो वैसा आप प्रिपेयर मत करिए। पहले एनालिसिस देखिए, ABC एनालिसिस आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो फॉर पेपर 3, आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो वैसे आप उससे पहले प्रिपेयर करो, और अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको सॉल्व करने के लिए कोई और चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी आप पहले कर लो, वो भी चैप्टर आप कर लो। और आप
ये 7 चैप्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान दो, लॉजिकल रीजनिंग के 5 चैप्टर और मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। आप इतना करोगे ना, बिलीव मी, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे अपना एग्ज़ाम और बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे पेपर 3 में। एंड रेस्ट जो इजी चैप्टर वो तो आप करोगे ही, जैसे कि मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन, ये सब तो इजी चैप्टर है तो आप तो करोगे ही। एंड जो हाईली वेटेज के चैप्टर वो भी कर लेना। सो ये सारे देखिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, आपको किस मटेरियल से स्टडी करने चाहिए, किस टीचर, मतलब अगर कोचिंग नहीं ले रहे हो तो किस टीचर से स्टडी करना चाहिए, एंड कैसा आपको, मतलब फर्स्ट आपको क्या क्या कंप्लीट करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए, तो ये सारे प्रिपरेशन टिप्स थे। एंड जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपको आपके पेपर 3 में मार्क्स ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, वो ये है कि कैलकुलेटर अलाउड होते हैं एग्ज़ाम्स में। मतलब बच्चों को तो पता होता है बट बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है कि कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर आप एग्ज़ाम हॉल में लेके जाने वाले हैं वही कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि कैलकुलेटर का कोई कोई की और मतलब हर हर कंपनी का, हर ब्रांड का अलग अलग की रहता है, अलग अलग प्लेस में रहता है। तो आपका अगर डेली आप उसी से प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में आपका उससे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। और आपको बताया मैंने पहले कि 2 आवर्स का सिर्फ एग्ज़ाम होता है और हमें 100 पेपर सॉल्व करने रहते हैं, तो उससे हमारा मतलब क्या होता है कि बहुत कम टाइम रहता है। तो अगर हम जो कैलकुलेटर से पहले ही प्रैक्टिस कर लेंगे, वही कैलकुलेटर एग्ज़ाम में लेके जाएंगे तो हमारे स्पीड बना रहेगा। और कैलकुलेटर ट्रिक्स भी बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख लो, उससे भी आपका स्पीड इंक्रीज़ होगा, आपके क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होंगे। तो आप प्रिपरेशन ही टाइम ये सब माइंड में रखिए, ध्यान माइंड में रखिए और अपना प्रिपरेशन करिए। एंड नेक्स्ट थिंग, जो बच्चे पूछते हैं, मतलब मुझे इंस्टा में भी डाउट DM आया था ये डाउट का कि एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या नहीं मैथ्स का, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, अब बहुत लेस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो एडिशनल क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, लेकिन आपके पास टाइम है तो एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि एडिशनल क्वेश्चन में तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन होता है, बहुत मार्क्स के होते हैं, तो वो सब जनरली नहीं आते एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन सब होते हैं वो तो नहीं ही आते एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। तो 5 मार्क्स सबके तो नहीं आते हैं बट बुक्स में रहते हैं, बुक्स में ज़्यादा मार्क्स के या हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो उसे प्रिपेयर करना चाहिए, यानी बच्चों का डाउट रहता है। तो आपको क्या करना है, आपके पास टाइम है तो आप प्रिपेयर करो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ प्रिपेयर करो, जब वो आता ही नहीं है, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपका उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में, उस टॉपिक में नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जो इजी क्वेश्चन है वो और आसानी से कर पाओगे। और अगर कोई क्वेश्चन जो बुक से नहीं आया, ICAR के मटेरियल से नहीं आया, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, तो उसको भी सॉल्व करने में हेल्प होगा। अगर आप एडिशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सॉल्व करने में उसको भी इजी होगा। तो सबसे पहला है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एडिशन क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व करिए, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। एंड जो नेक्स्ट डाउट रहता है वो ये है कि जो मैथ्स का चैप्टर 8 है कैलकुलस, हम लोग को करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। तो वो करना चाहिए या नहीं, तो वो बहुत कम मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में, 3, 4, 5 ऐसे मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो मेरा यही रहेगा कि आपको अगर वो हार्ड लग रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत मेहनत लगता है, बहुत हार्ड रहता है, वो आपको वैसा लग रहा है तो आप मत करिए। लेकिन आपके लिए वो बहुत ईजी है, ऐसा होता है ना, बहुत बच्चों को जो चैप्टर सबसे हार्ड लगता है किसी को वो बहुत ईजी लगता है, तो आपको अगर वो ईजी लगता है तो आप करो, लेकिन जिसको वो हार्ड लगता है वो छोड़ दो, क्योंकि आप इतना मेहनत करके करोगे और 2-3 मार्क्स का ही आएगा तो फिर उतना बेनिफिट नहीं है। उससे अच्छा आप वो चैप्टर को ज़्यादा फोकस करो जिसमें जिसमें ज़्यादा वेट है, जैसे कि जितना टाइम आप कैलकुलस चैप्टर को दोगे उतना अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दोगे या तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को दोगे तो आपका और अच्छा मार्क्स आएगा ना। सो स्टडी स्मार्ट। और नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए रिलेटेड टू CA फाउंडेशन, सारे पेपर्स के बनाए हैं, एंड मैंने मैथ्स के बनाए, स्ट्रैटेजी आपको कैसे मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आप ऐसा अटेम्प्ट करें जिससे आप पास हो सको, अगर आपका चांसेस है कि आप, मतलब ऐसा ना हो कि आप पास हो रहे हो और फेल हो जाओ, तो आपको कैसे ट्रिक यूज़ करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, ये सब मैंने बनाया है। एंड कुछ कुछ मैंने टिप्स भी दिया है, एंड हाउ टू क्लियर पेपर 3 पास कैसे करें,
एंड सारा चीज़ मैंने बनाया है. सो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देखना, आपको ज़रूर आइडिया मिलेगा. मैंने तो सारे पेपर्स के बनाए हैं, बट मैं स्पेशली मैथ्स के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और आपको अगर और पेपर्स के भी देखने हैं तो आप वो भी देख लेना. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन के लिए, कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रख के प्रिपेयर करना चाहिए. एंड सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है? सी ए स्टूडेंट पढ़ने में कंजूसी नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं? हाँ, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड, एंड बाय बाय.